अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो माय चैनल एंड वेलकम बैक टू तो अनदर व्लॉग और आज का व्लॉग जो है रमज़ान के रहमतों वाले महीने के साथ साथ खूबसूरत सी है। जो अल्लाह ताला ने हमारे पे रहमत बरसाई है बारिशों का मौसम है बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ और अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए बहुत ही अच्छा मौसम किया है जो जी तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको जो है मैरिनेशन दिखा रही हूँ आपको चिकन की और चिकन को मैरिनेट करना है पिज्ज़ा बनाने के लिए तो मैंने बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में शेयर करनी है आप लोगों ने लास्ट में वीडियो को अच्छे से देखना है और जो लोग हमारे चैनल पे नहीं है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना है ताकि मजीद अच्छी वीडियो इसी तरह आपको टाइमली मिलती रहे जी यहाँ पर हम लोग जो है मैरिनेशन कर चुके हैं चिकन की चिकन को अच्छे से धोने के बाद वॉश करने के बाद जो लहसुन अदरक का पेस्ट जिसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट है वो ऐड करने के बाद मैरिनेशन सारे आम मसालों से जितनी भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगी वो मेंशन कर दी हैं उन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने इन चिकन के अंदर जो है ऐड कर देना है और, और अच्छे से जब घंटे के लिए रख देना अब नहीं तो आधा घंटा तो अब रख सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है फिर उसके बाद आपने इसको ऑयल फ्राई थोड़ा सा ऑयल लेके आपने वन टेबल स्पून में इसको फ्राई कर लेना है उसी चिकन के पानी में भी अच्छे से पक जाएगा और बहुत ही मज़े की फ्रेगरेंस आएगी आप चाहें तो इसमें चिली गार्लिक सॉस और अपनी मर्जी से आपने कोई सॉस ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ये आपके अपनी मर्ज़ी यहाँ पे देखें जी पानी बिल्कुल हो चुका है जी खुश चिकन का मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया और बहुत मजे की खुशबू आ रही थी यहाँ पे हम लोग जी तैयार कर लेते हैं दो डो के इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको सारे स्क्रीन पे मेंशन करती हूँ यहाँ पे देखें जी हमने यहाँ पे अपने लिए ये ले लिया है दो कप जो है इस तरह के बाउल मैंने आपको दिखाए हैं प्याले जिसे आप कह सकते हैं उसमें मैंने ऑल परपज फ्लोर जो है मैदा ले लिया इसमें हमने दही ये विद नो ईस्ट मैंने बनाया है और तब और विदाउट ओवन हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग अपना जो पिज्ज़ा है वेडी कहते हैं जी हम लोग ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अंदर डाल लिए हैं बहुत मज़े का ये सारा पिज्ज़ा जो है रेडी हो गया इसकी स्पेशली हमने जो डो पे बहुत कंसनट्रेट करना है इसके लिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्क्रीन पर वो आपको मैंशन है वो साथ साथ आप देख कर ही इसमें ऑयल भी डालना है नमक भी डालना है हमने मैदा भी डालना है थोड़ा सा चीनी भी डाली है और फिर उसमें दही डालना है ठीक है इनको अच्छे से आपने जो है गूँध लेना है जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं उस तरीके से हमने डो तैयार कर लिया एक घंटे के लिए हम लोगों ने इसे रख लेना है अगर आप थोड़ी देर के लिए मतलब आधा घंटे के लिए रख लेंगे तो कोई इशू नहीं है अगर जल्दी बनाना है तो कोई मसला नहीं है यहाँ फिर बाद में हमने इसको बे लेना है वेजिटेबल अपनी मर्जी से कट ले कर लें अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कॉर्नस ऐड करना चाहें ऑलिव्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने खैर ऐड नहीं किया यहाँ पर तवे को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के जो है गर्म कर लिया था उसके बाद इसी पे ऊपर जो है बेली हुई जो रोटी है हमने बनाई है जैसे और हमने डो तैयार की थी उसको अच्छे से बेला था उसी तरह हमने तवे के ऊपर डाल देना है और कोई मसला नहीं कोई इशू नहीं अगर आपके पास नहीं है कोई नहीं आप इस चीज तरी रेसिपी को यूज़ करते हुए इस तरीके को यूज़ करते हुए जी तवा पिज्ज़ा जो है हम लोग रेडी कर सकते हैं यहाँ पे देखें जी हम लोगों ने पूरा जो है अपनी गोल रोटी की तरह अपनी ये जो है इसकी दो जो है ऊपर तैयार कर ली एक साइड से आपने पकाना है साइड से फ़ौरन ही इसको चेंज कर देना है मिनट मिनट के के बाद बाद अब एक साइड से पक जाए फ़ौरन ही के बाद आपने चेंज करना है हल्का सा अब इसके बाद ये पिज़्ज़ा सॉस ले लेनी ले है आप चाहें तो अपनी सॉस खुद भी रेडी कर सकते हैं वगैरह जो भी आपने है लेकिन मैंने पिज्जा सॉस लिया था और वही मैंने इसके ऊपर जो है डाल दिया इस तरीके से अच्छे से आपने जो पिज्जा सॉस डाल देनी है उसके बाद क्या करना है जी हमने लेना है मोजरेला चीज या फिर चैटेड चीज दोनों भी ले सकते हैं मैंने दोनों को ऐड किया दोनों को बारी बारी मैंने डाला था सबसे पहले मैंने मोजरेला चीज़ डाली उसके बाद जो है हमने अपने जितने भी वेजिस हैं आपने वो ऐसा ऐसा बारी बारी हमने इसमें ऐड कर देना है आप चाहें तो इसमें ऑर्गेनो भी इसके ऊपर अभी जो फ्लेवर के तौर पर डाल सकते हैं या आपकी अपनी मर्जी है चीज़ें जितनी डालें लेकिन इतना ज़्यादा बजट में मतलब आउट नहीं होगा आपको घर के अंदर या मैदे के साथ ही और मतलब घर के अंदर डो तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा आप चिकन ले लें उसके छोटे छोटे पीस कर लें बहुत ज़्यादा भी नहीं इतना मसला कि आप लोगों को बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा बहुत ज़्यादा बजट आपका आउट हो जाएगा तो कोई इतना इशू नहीं होगा इस वजह से जी हमने ये सारी बचेज़ और जितना भी चीज़ें हमने इसको उसके ऊपर जो आपने सजाना है पिज्जे के ऊपर जो ऐड करना चाहते हैं गार्निशिंग करना चाहते हैं जिन चीज़ों से भी जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं तो मैंने टमाटर शिमला मिर्च और सिर्फ प्याज लिया था जो घर में था कोई ऐसी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैंने ली जिसमें आप कहें जी आपका बजट आउट हो जाएगा तो बहुत ही मज़े की ये चीज़ बनेगी और चीज़ भी बड़ी अच्छी से मेल्ट हो जाएगी और जो पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का होगी यहाँ पे देखिए जी मैंने अपनी सारी उसके ऊपर जो है टॉपिंग है कंप्लीट कर लिया है और फिर उसको मैंने कवर करके जो आप किसी भी आप पैन की आप कढ़ाई के ढक्कन के साथ इसको कवर करके रखते हैं और सिर्फ आठ से दस मिनट लगेंगे फिर उसके बाद आप देखते रहें कि ये स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी और उसी स्टीम में जो है उसको थोड़ा सा कवर करके जो पकाएं और यहाँ पे देखिए जी मेरी जो चीज़ है बिल्कुल मेल्ट हो गया यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है पिज़्ज़ा जो है रेडी हो गया आप लोग भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा बहुत ही मज़े का बहुत ही यमी जो है ये पिज़्ज़ा जो है रेडी हुआ था और मुझे अभी भी आ, इस चीज़ का है अंदाज़ा और ही बहुत ही ज़बरदस्त था बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ जी बैंगन के पकौड़े मौसम बारिश का और बैंगन के पकौड़े ना हो ये कैसे उस पकौड़ों की फरमाइश की गई थी तो यहाँ पर बैंगन के पकड़े बनाए गए यहाँ पर मैंने बैंगन कट कर लिया अच्छे से स्लाइस फॉर्म में और साथ ही बच्चों ने कहा जी हमने आलू वाले जो हैं पकड़े लेने हैं फ्राइज कर सकते हैं उन बच्चों के लिए तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया उसमें जी लाल मिर्च नमक सूखा धनिया पाउडर चाट मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ऐड किया अपनी मर्ज़ी आप लोग ऐड करना चाहे तो कर ले नहीं तो नहा लेकिन मैंने सिर्फ इसमें साथ में कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड किया जो मुझे फ्लेवर्ड के तौर पे मैंने इसको दिया है कि ताकि थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाए तो इनको अच्छे से मिक्स करके आपने वाटर ऐड कर देना पतला सा आपने जो इसका मिक्सचर तैयार कर देना उसी के अंदर आपने डिप करते जाना है आलुओं को भी और बैंगन को भी फिर उसके बाद ही आपने इसको फ्राई करते जाना है कोई बहुत बड़ा मतलब मसला नहीं है क्विकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो जाएंगी और ये सारी चीज़ें जो आपके बजट में आप घर में आलू लें और ये बेसन है उसके साथ ही आप लोग डिफरेंट चीज़ें जो आपने रमज़ान के लिए अफ्तारी में अगर आप बोर हो चुके हुए हैं एक चीज़ें समोसे पकौड़े वगैरह खा के तो आप लोग ये डिफरेंट प्लेटर जो है झटपट से बना सकते हैं लो बजट में और आपके बजट भी आउट नहीं होगा और बड़ी ज़बरदस्त सी मजे की चीज़ भी बन जाएगी आप लोग थोड़ा डिफरेंट जी तो यहाँ पे देखें जी ऑयल जो है हो गया है हमारा गरम और सही फुल ऑयल में हमने गरम करना है अच्छे से ऑयल में हमने इनको ऐड करते जाना है ये नहीं करना बिल्कुल मीडियम सा करेंगे अगर हल्की आँच पर आप लोग ऑयल में इसमें कोई ऐड करके पकौड़े वगैरह डालेंगे ना तो वो बिल्कुल वो 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 बिल्कुल उसके ऊपर की लेयर या टॉपिंग जो भी है ना वो उतर दी जाएगी इस वजह से तेल को अच्छे से गर्म होना चाहिए फिर उसके बाद जो है आपने इसके अंदर बारी बारी जो सारे हैं अपने इसी तरह स्लाइसेस जो ऐड कर देने ना यहाँ पे जो बैंगन के स्लाइसेस जो है पकौड़े में मटेरियल में जो है सॉरी बेसन के मटेरियल में मैंने जो इसके अंदर ऐड कर दी कि और निकाल दी कि और बहुत ही मजे की खुशबू आ रही थी फिर इस तरीके से जो है सारे बैंगन के पकौड़े जो है मजे मज़े के हो गए जी रेडी क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने थे आप लोग भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा जिनको वो पता है वो, वो जो खाते रहते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं जिन्होंने नहीं खाया वो लोग ट्राई करके देखिएगा बहुत ही तो ज़बरदस्ती चीज़ अच्छे से पक भी जाते हैं और फिर आप बेशक तेज़ आंच में जब आप डालते हैं ऑयल को उसके बाद आप बेशक थोड़ी सी अपना फ्लेम जो है उसको लो कर लें तो इतना कोई इशू नहीं है फिर उसे अंदर तक ये पक जाएगा कच्चा भी नहीं रहेगा जी यहाँ पे देखा जी यहाँ पे मैंने सिर्फ प्याज लिया और बेसन में मटेरियल जो है उसका तैयार कर लिया और यहाँ पर जी पकौड़े हो गए जी बिल्कुल रेडी क्योंकि पकौड़ों का कोई खास रेसिपी नहीं वो तो आपको पता ही आपके बजट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त थी झट पर से आप प्याज़ वगैरह लें और उसको तैयार कर लें यहाँ पर जी मैंने आलू और थोड़ा सा चिकन लेके मैंने उसका मटीरियल जो तैयार कर लिया था जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से वेजीज भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो शिमला मिर्च और गाजर वगैरह बंद गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं तो जी इस तरीके से आपने मटेरियल जो है वो तैयार कर लेना है दो स्लाइस लेनी है आपने ब्रेड के और करना क्या है एक के ऊपर के लगाना है जी केचप और दूसरे के ऊपर आप लगानी है ग्रीन चटनी लगा लेनी है अच्छे तरीके से यहाँ पर यहाँ पर टोमेटो केचप जो है हमने जो है ब्रेड एक स्लाइस पर लगा दिया तो यहाँ पर चटनी सबस मिर्च पुदीने की है जो मेरे पास घर में पड़ी थी आप चाहें तो घर में फ्रेश भी बना सकते हैं आप पुदीना और हरी मिर्च जो है लें उसको अच्छे से कूट के उसका थोड़ा सा लिक्विड सा बन जाएगा आप उसको वो भी स्लाइस के ऊपर लगा सकते हैं कोई इतना इशू नहीं है आपके पास जो अवेलेबल है फ्रेश भी बनाना चाहते हो फ्रेश भी बना सकते हैं इसके ऊपर मैंने वो जो मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ था जो कि मिक्सचर तैयार किया हुआ था आलुओं का तो वो इसके ऊपर सारा जो है कोट कर दूंगी इसमें वेजिटेबल्स जो भी आप मर्जी से आपने डालने हैं वो आप वो भी आप डाल सकते हैं बस इस तरीके से इनको बंद कर देना है और उसके बाद क्या करना है जी हमने करना है दो स्लाइस में इनको कट कर देना है ठीक है ट्राइंगल फॉर्म में जैसे सैंडविच इसकी फॉर्म होती है वैसे हमने कट कर देना और बहुत ही ख़ूबसूरत सा इसका जो है वो लुक आएगा ये देखें आप इस तरीके से मैं अब इनको कट करूँगी और यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत रेड एंड ग्रीन से कलर आ गया साइड पर पता भी चल रहा है जी हमने अंदर जो है सैंडविच की वो जो ख़ूबसूरत सी जो अंदर हमने लेर दी थी, थी वो भी बड़ी ज़बरदस्ती नज़र आ रही है अब हमने क्या करना जी जो हमने आ, बेसन का जो मटेरियल तैयार किया था जिसमें हमने सारी चीज़ें डाली थी और अलहदा से और उसमें हमने ये ब्रेड को लेना है और एक एक करके हमने ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इसके अंदर जो डिप करते जाने हैं और इस तरीके से ये देखेंगे ये हो गया जी मेरा तैयार जो मटेरियल आपको जो थोड़ा पतला सा रखना है ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना फिर वो इस तरह कोट नहीं होगा यहाँ पे कोट करते जाना दोनों साइड से ब्रेड को अच्छे से और इस तरीके से हमने उठाना है दोनों स्लाइसेस को और फिर गरम जो तेल है फुल गरम ऑयल में हमने इसमें ऐड करना आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैच कर रही हूँ डीप फ्राई तो इस वजह से मैंने ऑयल ज़्यादा लिया तो आप लोग क्योंकि अपनी मर्जी लेकिन बाहर आई इसी तरीके से ऑयल में जो है ज़्यादा ऑयल में बनेंगे और रेडा जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मजे के बहुत ही डिलीशियस है आप लोग में ट्राई कीजिएगा मुझे भी बताइए कि आप लोग कैसे बनी है लेकिन बहुत ही जबरदस्त थे और बहुत ही मजे की खुशबू आई थी और यहाँ पे इनका व्यू देखें कि कितना खूबसूरत है रेड एंड ग्रीन और मैंने इनको और कट करके ट्राइंगल फॉर्म में कर लिया था और ये चार पीस कर लिए थे दो के और बहुत ही मारा ये था ब्रेड पकौड़ा सैंडविच रेसिपी और बहुत ही मजे की थी कोई ज्यादा आप लोगों को इनग्रीडियंट यूज़ नहीं हुआ सिर्फ आलूओं के साथ आप लोगों ने और वजीज जो भी अपनी मर्जी से ऐड करना चाहे उसके साथ आपने बहुत ही मजे की एक डिफरेंट सी चीज़ आपने तैयार के लिए रफ्तारी के लिए और एक डिफरेंट सी डिश बन जाती है आपके लिए फ्राई फॉर्म में और फ्राई आइटम्स में एक मज़े की चीज़ बन जाती है कि अगर आप लोगों ने डिफरेंट ट्राई करना चाहें तो ये बहुत ज़बरदस्त है ब्रेड पकौड़ा रेसिपी और इस तरीके से जी मैंने भी बनाया मुझे भी बहुत मज़ा आया है और यहाँ से मैंने अपना जो प्लेटर है बिल्कुल रेडी कर लिया आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से यहाँ पे मैं सैंडविच और यहाँ पे जी साथ में आलू के जो पकोड़े हैं बैंगन के पकोड़े हैं समोसे भी हैं और बहुत ही मज़े का ये जो प्लेटर जो है तैयार कर लिया है लो बजट है और बहुत ही ज़बरदस्त ही जो मेरी रात की रफ्तारी हुई थी कल ही रात हम को हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई बहुत ही मजा आया हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ की उनको भी माशाला से बहुत अच्छा लगा बच्चों को भी बहुत मज़ा आया तो आप लोग भी अगर आपने बजट में रह के कुछ तैयार करना चाहते हैं डिफरेंट सा तो आप लोग बना सकते हैं यहाँ पे देखें जी मैं जो है एक ड्रिंक तैयार कर रही हूँ क्या जी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रही हूँ इसमें मैंने क्या ऐड किया जी थोड़ी सी क्रीम ऐड की है दूध ऐड किया है चीनी ऐड की है और साथ में स्ट्रॉबेरी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो जाहिर है फिर ही शेक बनेगा वरना तो नहीं पॉसिबल तो अच्छा जी यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है अंदर ऐड करते गए हैं और ये बहुत ही मज़े के इंग्रेडिएंट रहे हैं एंड पे आप लोगों ने बर्फ़ ऐड कर देनी है और इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बन जाएगी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जामे शरीफ फ्लेवर के तौर पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए जी हमारा मज़े का जो ड्रिंक है वो भी तैयार हो गया था और ये है जी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और आप लोग भी इस तरीके से ज़रा बना के देखिएगा आप लोगों को लास्ट में मज़ा आएगा क्योंकि अगर आप इसमें क्रीम ऐड करते हैं और थोड़ा सा शरीफ थोड़ा सा ऐड करेंगे फ्लेवर के तौर पर तो आपको बहुत ही डिफरेंट सा बहुत ही मज़े का टेस्ट डिफरेंट सा लगेगा यहाँ भाई जी मेरा हो गया था जाम श्री बिल्कुल रेडी और साथ में मुझे जो है कुछ फ्रूट्स कट करने थे फ्रूट चाट भी बनानी थी वो भी साथ में कट कर रही थी बैठ के और यहाँ पे मुझे फ्रूट इतने खूबसूरत लगते हैं कि मैं हमेशा कोशिश कर रही होती हूँ कि ना जब फ्रूट्स कट कर रही हूँ तो उसकी थोड़ा सा वीडियो शूट जरूर किया करूँ कि तो बास्केट के अंदर बड़े माशाला से इतने खूबसूरत लगते हैं तो खैर यहाँ पे मैंने अपने जो है फूड चाट भी रेडी कर ली थी और यहाँ पर हमारी रफ्तारी का जो टाइम है होने वाला तो वहाँ पे हमने रफ्तारी की जी यहाँ पे हम लोग अपना पिज्जा जो है वो इंजॉय किया बच्चों ने भी माशाला से बड़े शौक से खाया और ये था मेरा आज का ब्लॉग उम्मीद है कि आपको पसंद अगर दुआ में याद रखिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में टिल अल्लाह हाफिज़